अस्सलाम वालेकुम, आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा से। तो आज एक रिएक्शन वीडियो हम करने लगे जो कैरी मिनाती की है, जो बिग बॉस के ऊपर है। और इसके लिए नीचे कोई कमेंट्स की भरमार थी। एक बंदे ने इतने कमेंट्स किए कि बिग बॉस का जो पार्ट टू है, जिसको जिस पे कैरी मिनाती ने रोस्ट किया हुआ है, तो उस पे आप लोग रिएक्ट करो। तो इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्टली लोगों ने देखी भी है क्योंकि इतने सारे मिलियंस में व्यूज़ हैं। और और कैरी मिनाती के अभी फैंस भी तो बहुत सारे हैं, हम बोल नहीं सकते किसी नहीं देखी है। हाँ, तो मैं हूँ सैम और मैं हूँ लारा। लारा की चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लारा के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर भी रिएक्शन वीडियोस फिलहाल आ रही हैं, व्लॉग्स जल्दी आएंगे। हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं लेकिन व्लॉग्स पता नहीं लेट गर्मी होते जा बहुत रहे है हैं। यार। गर्मी अच्छा, अभी बिग बॉस इसका भी फेवरेट है तुम्हारा, इसमें कोई फेवरेट करेक्टर? यस, शेनाज। आए क्या कसम से शहजादी बनती है, तो बहुत नाइस है, क्यूट सी है, मासूम सी। लॉयल्टी है और प्योर हाँ, सी है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो लेट्स गो, इस वीडियो को चेकआउट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छे। बिग बॉस बिग बॉस बिग बिग बॉस। बॉस, ये एक गधों की रेस है जिसमें सुअर दौड़ते हैं, और इस रेस का ना संचालक है बिग बॉस सलमान भाई। बिग कर दे हाथ बॉस सलमान भाई, बिग बॉस बिग बॉस सलमान सलमान भाई। भाई। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नादान परिंदों को पकड़ लिया गया है और उन्हें बोल दिया लॉन्ग बैन। तो अगर होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता होगा तो मुझे नहीं लगता ये रियल है, तो फिर विशाल को जाना चाहिए था। एटलीस्ट अगर ऐसा है, अगर सलमान फट के बोले तो 1740 लोग बोल रहे हैं, इसे लड़ना नहीं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं ना, मुझे नहीं पता तुम धरती के कौन से तत्व से बने हो, कहां से आए हो चल। कहां से? लेकिन एक बात पक्की, तुम साले अकेले मरोगे। खैर, अपने बालक के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना बिना किसी किसी प्रतियोगी के। बच्चों हमारे पहले प्रतियोगी हैं ये आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा वो मिले। तेरे लिए मैंने मेरा घर दार छोड़ा, गिर के तक किया मैंने जीरा सोडा, जैसे मटके में पानी बता थोड़ा थोड़ा, जा ऐसा घोड़ा आता पकड़ मजा लौड़ा। इनका नाम है अबू मलिक। अबू मलिक, अबू मलिक। गेस करो ये किसके भाई हैं? अनु मलिक। अपने भाई की तरह इनका भी पैशन है संगीत की गांड मारना। फी 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 फिजिक फाइन, सा 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 सॉलिड बॉडी डिजाइन, है तू नंबर वन लड़का चेहरे पे कैसी शाइन। फी 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 मतलब फिजिक। कतई किस्मत का खा रहे बहन चोद, क्योंकि इन दोनों भाइयों को संगीत बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इन्हें मीवी के कॉलर ईयरफोन्स देना चाहूंगा। ओके, इन्हें तुम पूरा दिन बैठ के एक गर्म की चाय प्याली हो, सुनो कोई दिक्कत नहीं है। दुब दुब करके कैड़ा बेस भी आता है, ये इतने हल्के तुम इसे लिटरली पूरा दिन टांग सकते हो। कभी कभार तो तुम भूल भी जाओगे कि पैन भी रखे थे। और अगर इन्हें तुम्हें छुपाना हो तो भैया कॉलर में छुपा लो, नहीं तभी तो नाम कॉलर है ना। अब अगर बीवी बच्चों से भी बात करनी है तो आवाज का बढ़िया आदान प्रदान है। अब आपको क्या लगता है ये कब तक के रहेंगे घर में? ये तो कुछ कह नहीं सकता, मगर आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं लास्ट बार निकलूंगा। ये कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कुछ घंटा नहीं उखाड़ा इसने बिग बॉस में, 2 हफ्ते में बाहर हो लिया। और बहाने तो सुबह भाई साहब के। I did not connect with the girls because there was nothing so exciting about any of them. तो ये टीवी देखने की उम्र है, टीवी पे आने की नहीं। ठीक है यार, लेकिन शो उम्र देख के तो चुनो। बच्चन साहब भी तो कर रहे ना करोड़पति, ऐसा कल को तो तुम स्प्लिट्सविला में चले जाओ। हमें क्वीन बनना, हमें क्वीन बनना। कौन बना रहा तुम्हें क्वीन? अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 2 पे, माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे मुड़के ना देखे। और वैसे भी पैसा तो हाथ की धूल होती है ना, मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए काम करती हूँ। इसको लगता है वो स्पेशल है। ओ लोमड़ी सी थूत की, ये मेरे कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा? ये एटीट्यूड ना 2004 में मर गया था, तुम क्यों जिंदा हो? आज और इसका आज जब मैं आई स्टूडियो में तो सबसे पहले डायलॉग मैंने यही मारा, कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा। पैशन पता क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपको बिग बॉस के घर की ओर खींच लाई है? फेम तो मिल जाता है। फेम तो मिल जाता है। बेटे कौन है तू? टिकटॉक में 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स।
अच्छा हाँ फेम तो मिल ही जाता है, कोई कदर ही नहीं है ना। फिर ये कहते कि हमने स्ट्रगल किया, करण जौहर लौड़ा लसन। पैसे तो बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। ओ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किसको पता भी किसे रही है, सलमान भाई को। तभी तो बता रही है। सामने खड़ा इंसान तुम्हारी चार पुश्ते खरीद लेगा दिल से भी और वैसे भी। तू फोन पे टिकटॉक बना रही होगी भाई, चुपके से आएंगे और भाई सलाम अलैकुम। सुना है कि आपने गुस्से में कुछ चीजें तोड़ी फोड़ी भी हैं। हाँ, आप भी जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो उस पे काबू तो रहता नहीं है। कभी कभी मेरे गुस्से पे तो फुल काबू है। मेरे गुस्से पे फुल काबू है क्या? मतलब क्या इज्जत रही है यहाँ पे? भाई मेरा योडा ले गए। तेरा यही ना, देख ले फिर दिखा दिखा। शिनाज ये खड़ी है, ये पीछे जाएगी। ये इंसान नहीं इंसेन है। पावड़ी तो ऐसे हो रही है जैसे कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया। अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 3 पे, बी बॉय पारस, क्योंकि इस देश का हर पारस बी बॉय करता है। ओके निर्मा गिरी वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर निर्मा। अच्छा मतलब तुझे एड्स भी इंडियन याद है यार। वैसे कोई फनी एड्स या कुछ ऐसा है तो कोई बंदा अगर सजेस्ट कर सकता है तो कर दो, हमें वीडियो बना के, मतलब बनी भी पूरी वीडियो जिसमें सारे एड्स मिक्स हो। वैसे यार ये तो काफी हैंडसम हो हैं? ये क्या? नहीं देखो यार इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात है, ऐसे तुम किसी के सर से छत नहीं खींच सकते। ये छोड़ो भाई की बातें सुनो। मेरा सुनने में आया था कि एक पप्पी से 800 कैलोरीज बर्न होती है। ओ चाचा चौधरी के चौथे चौदे, एक झापड़ में कितनी कैलोरीज बर्न होती है? कम से कम 8000। खा के देख ले, क्या पता तेरे बाल भी आ जाए। ओके ठीक है, ये लास्ट बस। वैसे इस साल ना गजब हो गया, सारे परिंदे एक दूसरे के प्यार में है। बी बॉय पारस की GF बनी है माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। तो लड़ो बहन चो, मेरे से पहली बार होगा। तेरा पहली बार मुझे लेना देना नहीं है, मैं भी कैमरे पे हूँ और भी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तेरा लूंगा, मैं तेरा लूंगा। क्या कहना चाहते हो? मेरे मुंह मत लग, तूने बात बोल दी ना शो के बाद, क्या तू मुझसे बात नहीं करेगी? मैं तो अभी से बात नहीं कर रहा। जा। ओहो, रिश्ते में दरार, अच्छी लंड मेरा। जब दूसरों से नहीं लड़ रहे होते तो एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर पारस भाई साहब एक जादू की झप्पी देते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। तू करता वही है जो तुझे करना होता है। ठीक है ओके, मैं 2 मिनट किसी के साथ। अब जब बी बॉय पारस अपनी GF से नहीं लड़ रहे होते, वह एक और परिंदे से लड़ते हैं। ये लौंडा घर से कपड़े ही नहीं लेके आया, जब देखो नंगा पुंगा घूमता रहे। दोपहर 3:45 रात 10:30 उसने अपने आंट छोड़ के बाकी सब दिखा रखा है। नहीं मुझे समझ में आती है, तुम सेक्सी कूल डूट बनना चाह रहे हो, लेकिन लल्ला तुम लड़कियों से ज्यादा 50 साल के बुढ़े एक्साइट कर रहे हो। तुम क्या हंस रहे हो टिकटॉक? तुम्हारा भी यही सीन है। अब पता कूल डूट के कौन से तारे टकरा गए? मैं हंस रही हूं। टिकटॉक श्री जॉन फेलिक्स एंथनी सिना जूनियर, यू कांट सी मी वाला, उसने अपने इंस्टाग्राम पे क्या डाला? अनहोनी को होनी करते होनी को जॉन सीना बिग बॉस देखता है? कल लुक मार की उना कोटी में ये क्या डेवलपमेंट है? ऐसा तो जॉनी सीना मेरी वीडियोस देखता होगा। ये 65 साल का होकर लॉन्डियों को बेबी डॉल पर नचवा रहा है, और यहाँ देखो पूरी पूरी दाढ़ी आ गई है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। मजा आ गया रे, मेरे को एक एक चीज समझ में आ रहा था। खैर अब चलते हैं बी बॉय पारस और स्कूल डूट की लड़ाई पे। ये 4 दिन में उठ रहे तेरे को दूध के डब्बे दिए हैं, सो डोंट गिव मी दिस शिट ब्रो। मुझे नहीं तेरा बाकी डब्बे दिए मैं क्या है इसके बाल के निकले। अब क्या बात
दिन में सूरज निकला नहीं, रात में चांद आया नहीं, कुथाई करवा लो। जो लोग बिग बॉस देखते हैं तुम्हें पता तुम लोग क्या करते हो, ये परिंदे लड़ते हैं और फिर उस लड़ाई को डिस्कस करते हैं और फिर तुम उनकी लड़ाई और डिस्कशन दोनों को देखते हो और फिर उसे दोबारा डिस्कस करते हो। मैं ना एक बाल्टी का आयोजन कर रहा हूँ, सब एक एक करके डूबेंगे और जो परिंदे बिग बॉस के पहले सीजन में रह चुके पता नहीं वो अपने विचार क्यों देते रहते हैं। तुम्हारा हो लिया ना, रुक जाओ यार, रुक नहीं शिनाज नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा भाई भोजपुरी पिक्चर कोई साइन कर ले, क्या कर रहा था तू यार, चिल मैन। श्री एजाज खान ये बात अपने अतीत को कह रहे हैं, यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना, क्या कर रहा था तू यार, चिल मैन। अब जब बीपो और पारस नाम का जानवर शांत होता है तब हमारे कूल डूट एक और परिंदे, ये क्या था, ये अच्छा यहाँ से ये कॉपीराइट होगा इनका, कैरी मिनाती का कॉपीराइट हो, इसलिए हम गानों पे नहीं करते हैं, ये कैरी मिनाती का भी कॉपीराइट होगा यहाँ पे, तो वो उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। तो हमारी भी एक कैरी मिनाती के एक सॉन्ग पे वीडियो थी तो यलगार पे, वो हम लोगों ने हटाई नहीं, उस पे भी इसी तरह ये कॉपीराइट आया था तो हमने हटा दिया वो, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा हटाया, वो पूरी की पूरी आवाज चली गई, ये अभी भी वही है। ये है सिद्धार्थ शुक्ला और शुक्ला जी, ये व्यक्ति हिला हुआ है, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया, पहले के एपिसोड्स में मुझे लगा कि ये साधारण गंजेड़ी है, कैसा भी होगा ऐसा कुछ नहीं, जला होगा थोड़ा पर ठीक है, पर खाना बन जाता है, घर खाना बन जाता है, लेकिन भाई ने फिर जो तबाही मचाई है, आप वही कर रहे हो, आप लड़कियों पर आप वही कर रहे हो, आप लड़कियों पर देखना छोटा सा गेट होगा उस पर दो बड़े बड़े टट्टे बने होंगे, वहां चले जाओ, ऐसे भैरंड इंसान को किसने खुला छोड़ रखा है। खैर एक इंसान है जिसकी तरफ शुक्ला जी थोड़ा नरम है, ये है कुड़ी पंजाब, पंजाब दी कुड़ी, बुल बुल बुले शहनाज गिल भी, ओ इसकी भी ले, उसकी जर्नी कुछ ऐसी रही है। ये है शुक्ला जी की GF, मतलब है भी नहीं भी है, एज अ फ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है मेरा तेरे साथ, ओके एज अ बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है, पता नहीं कुछ है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं बीमारी है वो भी छुआ छूत की, छुआ छूत की। टूट गए घुंगरू, नहीं बड़े मजे आ रहे थे ना, चुमा चाटी चल रही है, कडलिंग चल रही है और फिर रात को चादर के नीचे हाथ पकड़ना, लेकिन घर किसका, बिग बॉस का, तो लड़ो बहन चुप, क्या हुआ, मैं नॉर्मली बात करूं, मेरे को नहीं करनी है तुमसे बात, एक मिनट रुक, ठीक है मेरे को बात नहीं करनी है, क्यों क्यों, क्योंकि गंद हो तुम, फिर से दिल में दरार, इनका भी वही सीन है, उसी रात अभी थोड़ी देर बाद कैमरा लगा हुआ होता है, हाँ कैमरे सारे होते हैं ना, तूने देखा नहीं, अब चलते हैं द बिगेस्ट एंड द बॉकेस्ट फाइट पर, शुक्ला जी वर्सेस कूल डूड, पहले ये दोनों शांत रहते थे लेकिन फिर घर किसका, बिग बॉस का, तो लड़ो, कैंसर की तरह इनकी लड़ाई की भी चार स्टेजेस हैं, पहली स्टेज ये जन्म से पर संतरों पे लड़ रहे हैं और बाकी को देखा कसम भागते हुए गए, तुम्हें क्या लगा इन्हें लड़ाई रुकवानी है, ना 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 नहीं, इन्हें देखा गोटे अकेले फुटेज खा रहे हैं, कैमरा 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 कैमरा। अब चलते हैं दूसरी स्टेज पे, इसमें दो कॉन्डम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, नसीब में फटा नहीं, अरे तीसरी स्टेज खतरनाक है क्योंकि ये जात पात औकात सब पे चले जाते हैं, तूने क्या कर लिया लाइफ में, सॉरी तूने क्या कर लिया लाइफ में, क्या किया लाइफ में, ये क्या बोल रहा है, तेरी औकात दिख
रही है मेरे को कौन से सुन रहे हो शुक्ला जी इतनी मरवा के चुप तो बैठेंगे नहीं वो सीधे चौथे स्टेज पे चले गए सिद्धार्थ और आसिफ हाथा पाई की नौबत नहीं आ रही मेरा माता नहीं गया मेरे पापा नहीं गया मेरे पापा नहीं गया। अब मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कैरी तू किसको सपोर्ट कर रहे बिग बॉस में देखो तुम्हारा सवाल गलत है तुम्हारा सवाल होना चाहिए कैरी क्या तुझे इससे फर्क पड़ता है नहीं क्योंकि इन्हें लगता है वोटिंग इस चीज की हो रही है कि सबसे बढ़िया कौन है लेकिन असल में वोटिंग इस चीज के लिए हो रही है कि सबसे चूतिया कौन है क्योंकि बिग बॉस में तुम्हें सबसे ज्यादा फुटेज खाने के लिए चूतिया हरकतें ही करनी पड़ेंगी तो देखो हरकतें तो डरो बिग बॉस जीतने से डरो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो यार देखो मारना ही पड़ेगा यार लाइक करना है जरूर मिलियन लाइक्स नहीं हो जाते तब तक वो मेरा योटा वापस नहीं करेंगे तो मारना ही पड़ेगा ये मेरे पास है टीवी की लव सेल चल रही है तो तुम्हें ये कॉलर ईयरफोन 1299 के मिल जाएंगे और भी बाकी प्रोडक्ट्स पे तगड़ी डीलें चल रही है तो फटाफट mevi.in पे जाओ और अपनी रातें रंगीन बनाओ हमारे 10 मिलियन भी होने वाले हैं तो वो जो लाल वाला बटन है उसे झटका दो या धक्का मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूँ इतनी कायका सुनने के बाद ना मुझे ASMR की दुनिया में जाना पड़ेगा बाय मोहित वैलेंटाइन का क्या प्लान हिल्ले हुलारी सही आशिकू मैं दिल का मुझे जीना मत सिखा बस यार वीडियो बहुत कमाल की थी और बहुत अच्छी थी और मुझे बिग बॉस के बारे में तो मैं जानना चाहती थी कैरी का उसके लिए क्या बिग बॉस के लिए क्या रिव्यू है पर देख लिए तुम्हें क्या लग रहा था कि कैरी के बारे में अच्छा मुझे पता था मतलब क्रिंज है एक एक चीज है जो क्रिंज है और क्रिंज ना भी हो ना मतलब ये इस तरह की चीज है कि इनको अच्छा कंटेंट मिल जाता है जिससे ये इसको मजेदार रोस्ट कर सकते हैं और अगर ये इस तरह की हरकतें ना करते तो ये इतने मजे का रोस्ट भी ना होता मतलब जितनी एक्साइटेड ये वीडियो थी इतनी ना होती अगर ये इस तरह की हरकतें वैसे इसकी फेवरेट शहनाज को भी हल्का फुल्का तड़का लगाया उसने किस में डाल के कढ़ाई में डाल के हल्का फुल्का हिलाया उसके वीडियो तो बहुत मजे की थी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी लाजिम लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें बताना एंड दोनों के दोनों चैनल्स को सपोर्ट करो इसके चैनल को भी और ये जो चैनल है इसको भी और एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।